हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो है दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, यहाँ का बहुत फेमस विशाखापट्टनम का हॉस्पिटल है, एप्पल डेंटल हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहीं पे जा रही हूँ। मेरे दांत में जो है कीड़े लग गए थे, इसलिए मेरे दांतों का जो है रूट कैनाल हो रहा है। बहुत से लोगों को जो है रूट कैनाल पता होगा कि क्या होता है, और बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो चलिए उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि रूट कैनाल का मतलब है कि जो ऊपर से है ना कैप लगाते हैं और दांत के अंदर से जो मसूड़े नस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल नस डालते हैं और दांतों के ऊपर जो है कैप चढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 2 से 3 सिटिंग लेना पड़ता है, तो मैंने 2 सिटिंग ले रखी है और ये लास्ट है मेरा, बस कैप लगाना है। तो मैं आज वीडियो बना रही थी तो मैं फाइनली जो है हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गई हूँ और जो है और यहाँ पे बेड पे लेट गई हूँ दांत लगवाने के लिए। और यहाँ पे जो है मशीन वगैरह रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस तरीके का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं लेडी डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टर कोई भी नहीं है, लेडी डॉक्टर जितनी भी है उनके बात करने का तरीका और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। बात बात भी बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह होता है ना कि रूडली बात करते हैं, वैसा नहीं है, यहाँ बात बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मेरा जो है कैप लग गया है, कैप लग गया है, उसके बाद जो है मैं घर को जा रही हूँ। मैं कैप के समय इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हो और किसी को बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि कहीं भी वीडियो बनाओ और फेमस हो, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो लोग जैसे ही वीडियो बनाओ कि आपका चैनल का नाम पूछेंगे, यही सब सोच के जो है मैं वीडियो वहाँ पर नहीं बनाई, बस अंदर गई थी उतना ही बनाई। और बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं हर चीज़ की वीडियो अपलोड किया करूँगी, और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करिएगा। चैनल को जो कोई नया देख रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है अब, और कोशिश करूँगी कि हर रोज़ वीडियो डालूँ, 1-2 दिन छोड़ के। जो है मैं आ गई हूँ और पैदल जा रही हूँ, ऑटो से मैं आ गई थी और यहाँ पर जो है ये अपनी गली है, तो यहाँ से मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं घर पहुँच गई हूँ और बालकोनी में खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो साइड में जो है ना यहाँ पे जो है कॉटन लगा रखी है, ये देखिए, तो काफ़ी बड़ा कॉटन है, और कॉटन से बोली है कि 1 घंटे तक दवा, आधे घंटे तक दवा के रखने के लिए, और जो है 1 घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए मना की है। काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे कॉटन की वजह से या क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था मुझे जब इसमें कैप लगवाई है। तो फाइनली जो है हमने कॉटन निकाल दिया है, ये वाला दांत मैंने कैप चढ़वाया है ऊपर से, थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन देखते हैं। अभी ये जो है 3 बार मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल, थोड़ा सा उस वाले दांत में थोड़ा सा चिकनापन ज़्यादा है, जो अभी देखते हैं बाकी कैसा रहता है। अभी शीशा में देखी भी नहीं, अभी जस्ट कॉटन फेंकी हूँ, और कॉटन डालने से लग रहा था कि दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन कॉटन निकालने से थोड़ा ठीक लग रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये कैप वगैरह निकल जाता है तो फिर से जाने के लिए, वैसे तो निकलेगा नहीं, वो बोलिए अगर बाई चांस निकल जाता है तो फिर से जाके लगवाने के लिए, और 10 साल का वारंटी मिला है जिसमें एक कार्ड में लिखा हुआ है। तो जाती हूँ मैं भी, थोड़ा सा शीशे में देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं जो है इस डब्बे में जो है पानी पलटूँगी, 20 लीटर का पानी है ये, इसमें डाल देती हूँ ना तो बच्चे वगैरह जो है आराम से भर के पी लेते हैं, नहीं तो मुझे परेशान करते हैं भरने के लिए। और मैं यहाँ पे फटाफट से चाय चला लेती हूँ। 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं मुझे दांत में कैप लगवाए हुए, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय चलाने। चाय जो कि मैं बस अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं एकदम छोटी कटोरी में ही बना ले रही हूँ, क्योंकि चाय के बिना मुझे लगता है कि जो चाय नहीं पीते हैं वो जीते कैसे हैं, बस यही लगता है। ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, चाय ज़रूर होनी चाहिए। चाय तो मैंने चढ़ा दी है, उसके साथ साथ मैं शाम की जो है खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बैंगन का भुजिया और रोटी बनाऊँगी, और लीजिए जी हमारा चाय भी बन गया है, तो आइए आप सब भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। तो चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद फिर इसे वापस किचन में घुसूँगी क्योंकि बच्चों को जो है काफ़ी भूख लगी हुई है।
बैगन की भुजिया के साथ साथ आटा सान के भी रोटी मैं बना रही हूँ। और कहते हैं ना, कभी कभी अकेलापन, लोग बोलते हैं ना कि बेटी की शादी करो तो सर्विस वाला से करो, या ऐसे कहते हैं। आज मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि हम अकेले रहें, ससुराल में ना रहें, या बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अकेले होने के फ़ायदे और नुकसान दोनों है। जैसे कि मैं अभी अकेली हूँ, हस्बैंड है नहीं, किसी काम से बाहर गए थे तो मैं अकेली थी। दांत में करवा के आई थी ना, तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। जब मैंने फर्स्ट सिटिंग लिया था ना, तो मुझे दर्द नहीं होता था। जब मैंने सेकेंड टाइम लिया तो मुझे 2 घंटे तक दर्द रहा कंटिन्यू, काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू दवाई भी ली, लगभग मतलब 1 सप्ताह तक दवाई लिया था मैंने, काफ़ी दर्द हो रहा था। उसी में सब कुछ काम भी करना था, बच्चे को देखभाल, खाना पीना टाइम से, स्कूल भेजना, हर चीज़ अकेले ही हैंडल करना पड़ता था। और आज भी जैसे मैं जो है कैप लगवा के आई हूँ, तो आज तो दांतों में दर्द नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी लेट होता है ना तो यही दिमाग में चलते रहते हैं कि पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, उनको भूख लगी होगी। और वैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हूँ अपने बच्चों को, या लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हर दुनिया की हर माँ कहीं भी रहे लेकिन अपने बच्चों की चिंता ही करती रहती है, भले ही उसकी हालत कैसी भी रहे, लेकिन वो अपने बच्चे की चिंता करना आखिरी दम तक नहीं छोड़ती है। तो मुझे बहुत फिक्र होती है, मेरा ये है ना कि चाहे जो भी काम रहे लेकिन बच्चे को जो है टाइम टू टाइम खाना मिलना चाहिए। उसमें मैं अपने बेटे में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, मेरे से नहीं हो पाता है। और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको टाइम पे हर चीज़ चाहिए। और मैं ऐसा चाहती भी हूँ और करती भी हूँ कि हर चीज़ टाइम पे उसको देती हूँ। तो यहाँ पे सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये दूध है। दूध जो है फट गया था तो उसको मैंने कटोरी में रख लिया है, और इसको गैस पे चढ़ा के ना थोड़ा सा चीनी डाल करके और अच्छे से भून करके मैं इसको खाऊंगी। जैसे गांव में खिरसा का दूध होता है ना, जैसे आप लोगों को पता है जैसे छेना वगैरह फाड़ते हैं उस तरीके का हो जाता है, तो फटा हुआ दूध का मुझे चीनी डाल के बना कर खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे चीनी, ये देखिए ऐसे एकदम दही जैसा हो गया है, तो इसमें जो है थोड़ा सा उबल जाएगा ना, फिर 1 चम्मच चीनी डाल दूँगी और अच्छे से इसके पानी सूखने तक जो है रखूँगी, और उसके बाद जो है इसको खाऊँगी मैं रोटी के साथ। ऐसे भी खाने में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं कभी भी जो है दूध फेंकती नहीं हूँ, मेरा फट जाता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि जो है कभी कभी इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। घर पे आने के बाद ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, मजबूरी है, काम करना तो करते हैं। जब यही फैमिली में लोग रहते हैं ना, तो भले ही कोई कितना भी लड़े झगड़े लेकिन काम कर देते हैं। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होती है तो काम नहीं कर देते, बहुत मैंने देखा भी है। लेकिन मुझे लगता है ना कि जितने जो फ़ायदे हैं अकेले रहने के, उतने नुकसान भी हैं। कभी कभी ऐसे तो फील नहीं होता है कि फैमिली साथ रहे या कुछ भी रहे, सच बताऊं तो, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। हस्बैंड रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको सारा काम आता है करने, और वो सारा काम कर भी देते हैं, सिवाय एक बर्तन नहीं धोना चाहते हैं, कपड़े प्रेस नहीं करना चाहते हैं, कपड़े धोना नहीं चाहते हैं, कपड़े धूप में डालना नहीं चाहते, बस खाना खाना कहो तो बना देते हैं, जो कहो वो खाना बना देते हैं। तो इतना तो आराम हो जाता है मेरे लिए, वही बहुत है। और थोड़ा सा भी मेरा तबीयत ठीक होता है तो मैं खुद ही करने लगती हूँ, तो इतना सब कुछ बहुत है मेरे लिए। देखिए, तो हमारा जो है बिल्कुल जो है पानी सूख गया था, उसके बाद मैंने चीनी डाला, लगभग 1 से 2 चम्मच ही यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया। ये देखिए, मैंने रोटी लिया है और चोखा है दोपहर का ये वाला, और भुजिया भी बैगन का मैंने अभी बनाया है, और साइड में जो दिख रहा है वो दूध वाला है और रोटी लिया है। तो चलिए, आप सब भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। कोई नया देख रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।